Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tasqeer. Guys, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से हम बिटली प्लेटफॉर्म को यूज करके जो हमारा लिंक भी शॉर्ट कर देगा, ठीक है, जो हमारे लेंथी लिंक्स होते हैं उनको भी बिटली का प्लेटफॉर्म शॉर्ट कर देता है और साथ ही साथ उन लिंक्स को एक्चुअली उस लिंक के ऊपर जो शॉर्ट लिंक है उसके ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा टूल भी है विच इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल विच इज नोन एज, यू कैन सी, ये एक गूगल का कैंपेन यूआरएल बिल्डर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप यूआरएल्स को जनरली ट्रैक कर सकते हैं। फाइन, तो फॉर एग्जांपल आपका जो यूआरएल है, मैं मान लेता हूं कि ये आपका यूआरएल है पॉडकास्ट का, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे ये, ठीक है, ये आपका यूआरएल है, ठीक है। तो अभी आपको जैसे एक लिंक है उसको आपको फेसबुक पे लगाना है, फाइन, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कैंपेन का सोर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फेसबुक, राइट, फेसबुक ऑर्गेनिक एंड दैट्स इट। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फाइन, ऑर्गेनिक आपने लिख लिया, फाइन, और कैंपेन का नेम भी मैं ऑर्गेनिक ही लिख देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो पॉडकास्ट का लिंक है इसको मेरे को यूज करना है, अलग अलग जगहों पर जाकर मेरे को यूज करना है। अभी मैं इसको कहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, अपनी फेसबुक के ऊपर यूज करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं अपने फेसबुक के ग्रुप में डालना चाहूँ, हो सकता है मैं अपने फेसबुक की जो हमारा पेज है वहां पर कहीं पर मैं यूज करना चाहूँ, तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि इसके ऊपर जो क्लिक्स हुए हैं वो, अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक्स हुए तो मुझे कुछ उसके रिटर्न में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि भैया ये जो फेसबुक ऑर्गेनिक वाला कैंपेन सोर्स है यहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर द जनरेटेड कैंपेन यूआरएल, अब देखो ये कैंपेन यूआरएल अब आपका बन गया, अब इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, फाइन, ये हमने यूआरएल क्रिएट कर लिया, आपको बात समझ में आ रही है, ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने एक यूआरएल क्रिएट किया, दिस इज अ यूआरएल क्रिएशन, राइट, ये हमने यूआरएल क्रिएट कर लिया। नाउ अगर हमें फेसबुक पे यूज करना है तो मैं इस यूआरएल को यूज करूंगा, क्योंकि अगर इस यूआरएल पे जो भी क्लिक्स आएंगे उसके साथ डेटा क्या कह रही होगी कि ये जो यूआरएल है ये कहाँ पे था, मतलब ये कहाँ से क्लिक्स आई, तो उसमें मुझे दिखेगा कि फेसबुक ऑर्गेनिक से ये क्लिक्स आई हैं, ये क्लिक्स आई हैं हमारी फेसबुक ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक एंड कैंपेन भी ऑर्गेनिक, ऐसे दिखेगा ना हमें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ओके ये जो यूआरएल बिल्डर है, राइट, इससे जो हमने लिंक क्रिएट किया था वो ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए करना है तो इंस्टाग्राम के लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से आप यहाँ पर चीजें चेंज कर दो, तो सेम जो ये वाला हमारा लिंक है यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंस्टाग्राम, दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम और यहाँ भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो अब ये देखो यूआरएल चेंज हो गया, देखो इंस्टाग्राम आ गया होगा, फाइन, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे यूज करना है तो ये वाला यूआरएल मैं यूज कर लूंगा, फाइन। तो ये क्या है, अब यूआरएल तो इतना ही है, मतलब जो हमारे पॉडकास्ट का यूआरएल है वो तो इतना ही है, लेकिन आगे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आगे पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे ट्रैकिंग पैरामीटर्स है जो ये ट्रैक कर रहे हैं कि अगर इस वाले यूआरएल को मैं कहीं यूज करूँ, और इसको भी आपको शॉर्ट कर देना है, फाइन, इस यूआरएल को भी आपको शॉर्ट कर देना है, जैसे यहाँ नीचे देखोगे अगर आप, तो ये बन तो गया यूआरएल आपका, बट इसको कन्वर्ट यूआरएल टू शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक की तरह यूज करना है, लेंथी यूआरएल आप यूज करोगे तो वैसे भी वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो आपके लिए वैसे भी प्रॉब्लम होंगे, तो क्या करना है आपको, इसको शॉर्ट कर देना, शॉर्ट करके इसको छोटा यूआरएल आपको मिल जाएगा, तो उस यूआरएल को फिर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप कहीं पोस्ट करना चाहते हो तो उस यूआरएल को पोस्ट करो, फाइन। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, बट हाँ तरीका ऐसा होता है। और भी अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारे जो यूआरएल ट्रैकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, यूआरएल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स, या आप इनको बोल सकते हो लिंक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर टूल्स, राइट, तो बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टूल्स, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, लिंक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर टूल्स, ऑनलाइन टूल्स भी बहुत सारे हैं, राइट, तो ये आपको मिल जाएंगे, कुछ पेड है, कुछ अनपेड हैं, कुछ जो है वी कैन से दैट कुछ का जो है लिमिटेड वर्जन फ्री है, और उसके बाद अगर और ज्यादा चीजें उनकी यूज करनी और एडवांस लेवल पर अगर उन टूल्स को यूज करना है तो पेड वर्जन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन है जिनके थ्रू आप लिंक ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैंने से बताया आपको ये जो UTM पैरामीटर वाला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, UTM पैरामीटर्स वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहो तो बिटली को यूज करो, स्टार्टिंग में बिटली बहुत यूजर फ्रेंडली, बहुत आसानी से आप उसको यूज कर सकते हो। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।